आप देख रहे हैं वी संसार। और दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि माता लक्ष्मी किन चीजों से नाराज हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, साथ ही आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की सबसे पहले जानकारी मिल सके। दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि घर को साफ करने वाली एक मामूली सी झाड़ू माँ लक्ष्मी का रूप होता है। झाड़ू का अपमान करने का मतलब है कि आप माता लक्ष्मी को नाराज कर रहे हैं। तो आइए बताते हैं कि कैसे झाड़ू से जुड़ा है शगुन या फिर अपशगुन। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि झाड़ू जो है वह माता लक्ष्मी का रूप होता है। ये झाड़ू ही तो है जो हमारे घर से गंदगी और गरीबी को बाहर निकालता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी झाड़ू पर पैर नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि यह अपशगुन माना जाता है। झाड़ू का अपमान करने से माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। जब कभी आप अपने घर का निर्माण करते हैं और इसमें प्रवेश करने जा रहे होते हैं, तो उस समय नए झाड़ू लेकर ही जाएं। ऐसा करना शगुन होता है। इससे घर में देवी देवताओं की कृपा भी हमेशा बनी रहेगी। ध्यान रखें कि घर में कभी भी झाड़ू सूर्यास्त के समय ना लगाएं। ऐसी गलती करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और गरीबी घर में प्रवेश कर जाती है। यही नहीं, कभी भी झाड़ू को घर के बाहर ना रखें, जैसा कि आंगन या फिर छत। यह अपशगुन माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में चोरी होने की भय बना रहता है। गलती से भी किसी पशु या फिर गाय को झाड़ू से नहीं मारकर भगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करना अपशगुन होता है और इससे माँ लक्ष्मी आपसे नाराज होकर घर से चली जाएंगी। वहीं अगर कोई आपके घर का सदस्य किसी जरूरी काम से बाहर निकला हो तो उसके तुरंत जाते ही झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना भी अपशगुन माना जाता है, क्योंकि आपके उस सदस्य को सफलता हाथ नहीं लग पाएगी। इस बात का भी ध्यान रखें कि घर को कभी भी अपने रसोई घर या फिर डाइनिंग एरिया जहां हम खाना खाते हैं वहां ना रखें। ऐसा करने से आपको धन और अन्न की हानि होगी। यही नहीं, आपके स्वास्थ्य के लिए भी यह हानिकारक साबित होगा। तो दोस्तों, यह थे झाड़ू के टोटके, किस प्रकार आप माता लक्ष्मी को नाराज करने से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो हमें हमारी गलतियां जरूर बताइएगा। हम जल्दी लौटेंगे नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।